तो गाइज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और नेवी डबल एस एस आर के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। 10 टेस्ट की सीरीज है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, और इसका जो प्राइस रखा गया 250 रुपये। और अगर आप अपने चैनल कोड यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब फिर आपको 149 में 10 टेस्ट सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और ये कोड भी डिस्क्रिप्शन पे है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और आपको पता है थर्ड शिफ्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, तो 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पता लगे अभी तक वो सारे इस वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले आपको सबूत दे दूं, क्योंकि अभी आप कमेंट में बोलोगे ऐसा नहीं वैसा। तो देखो, मैं आप सेकेंड शिफ्ट की वीडियो देखो, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मैं डाल दूंगा, देख लेना। और सेकेंड शिफ्ट से दो वीडियो हैं, एक आपकी जीके की है पर्सनल और एक में जीके इंग्लिश मैथ साइंस सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये थर्ड शिफ्ट की वीडियो है, थर्ड शिफ्ट की वीडियो क्वेश्चन कहाँ से मिले, देखो इस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन दिए हैं, बट इसके क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इसके मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा। इसने देखो सारे मैथ के क्वेश्चन में लिख के भेज दिए हैं, और जो इसके पेपर में आए थे सारे इसने लिख के भेज दिए हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखिए उसने ऐसे भी लिख के भेजा है, ये देखिए थर्ड शिफ्ट में ब्राज़ील की करेंसी, किर्गिस्तान कैपिटल और SLVRSS रिम का फुल फॉर्म है ना, और अमर्त्य सेन रिलेटेड टू अर्थ, साथ ही सारे क्वेश्चन उसने लिख के भेज दिए हैं जो उसके एग्जाम में पूछे गए थे, उसको याद था, ठीक है। और आप सेकेंड शिफ्ट की वीडियो देख लेना, उसमें पूजा सिंह नाम की एक लड़की है, उसने 12 से 13 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के दिए हैं, और ऐसे टोटल सारे आप लोगों से ही क्वेश्चन मिले और टोटल इस वीडियो में रखे गए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और आप कमेंट में जवाब दिया करिए कम से कम क्वेश्चन का जिसका आगे एग्जाम आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है PDF की, PDF डाउनलोड करना। और देखो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट कि कम से कम 150 या फिर 200 क्वेश्चन हैं मेरे पास, तो मैं आपको कुछ देर में तीनों शिफ्ट के देता हूँ। जिसका आज एग्ज़ाम है और जिसका कल एग्ज़ाम है वो प्लीज़ उस वीडियो को देख कर जाना, मे बी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। तो आप किसी भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे देख लेना या फिर आई बटन पे देख लेना, किसी भी शिफ्ट की वीडियो के आई बटन पे देख लेना, आपको वो मिल जाएगी। और इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। आप चलो बिना किसी वैसे स्टार्ट करते हैं, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो देखिए बिश्केक है आपकी किर्गिस्तान की राजधानी कैपिटल। नेक्स्ट पूछा गया था आपका किसी के एग्जाम में ब्राज़ील की मुद्रा पूछी गई है, तो ब्राज़ीलियन रियल ये होती है आपकी ब्राज़ील की करेंसी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है, पारादीप है या प्रायद्वीप है पता नहीं जो भी लिखा था, बट शायद पारादीप बंदरगाह है जो कि आपका ओडिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, एलोरा की या फिर अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है ये पूछा गया था, तो आपको पता होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं एलोरा व अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट पूछा गया आपका खजुराहो किस शासक ने बनवाया, शिफ्ट वन में खजुराहो से क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो कहाँ स्थित है, और शिफ्ट थ्री में देखो ये पूछा गया खजुराहो किस शासक ने बनवाया, तो चंद वर्मन ने बनवाया खजुराहो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है सिक्स नंबर, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, आपको पता है कल आ जानी चाहिए, आज आ रही है। सीमा एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है, ठीक है, सीमा है और वो एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है और बोलती है कि इसके पिता, ठीक है, इसके पिता राम मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, तो सीमा की बहन का राम से संबंध बताना है। तो जिसको भी पता हो यार कमेंट बॉक्स में बता देना, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। सेवन्थ नंबर दो फिगर वाले क्वेश्चन आए थे, देखो रीजनिंग में एक ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद दो फिगर वाले क्वेश्चन आए थे, और इसके बाद है सीरीज से भी एक क्वेश्चन आया था 6, 13, 25, 51, 101 और इसका नेक्स्ट होगा आपका 205, ये आंसर अभी जिसका मैंने व्हाट्सएप पे दिखाया था उसी ने बताया। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या फिलअप किया जाएगा, इसका किसी ने आंसर नहीं दिया, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे सॉल्व करके जाना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पूछा गया राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, देखो ये क्लियर नहीं है, किसी ने राष्ट्रपति लिखा किसी ने उपराष्ट्रपति लिखा है कि कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, और रिम का फुल फॉर्म पूछा गया RIM इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो रिसर्च इन मोशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना रिसर्च इन मोशन इसका फुल फॉर्म पूछा गया। इसके बाद एक और फुल फॉर्म पूछा गया वो है आपका RSS का पूर्ण रूप, तो राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ, अगर जिसको ये फुल फॉर्म याद नहीं है वो गलत करके आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये RSS का फुल फॉर्म होता है, और लोग इसका मतलब इंग्लिश वर्ड ढूंढेंगे और बस यही गलती हो जाती है और गलत हो जाता है। तो ये कम से कम जितने भी आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट से जितने भी क्वेश्चन मिले सारे रट लेना। और देखिए, साइंस में पूछा गया आपका प्रतिरोध की विमा पूछी गई है, तो प्रतिरोध की विमा जो होती है आपकी होती है ML²T^-3A^-2। क्या होती है? ML²² और T^-3 और A^-2, ये होती है आपकी प्रतिरोध की विमा। इसके बाद आवृत्ति का मात्रक पूछा गया, बहुत आसान है, और आवृत्ति का मात्रक होता है आपका हर्ज। एक और विमा पूछी गई, प्लांक नियतांक की विमा। देखो, विमा निकालना अगर आपको आता है तो देखो, अगर आपको सारे वो याद हैं, क्या बोलते हैं, सारे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और आपको तरीका पता विमा निकालने का, तो कोई भी विमा पूछ ले आप निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता तो फिर आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा सारी विमाओं का। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आप सारी विमाओं का रट्टा भी मार सकते हैं, रट्टा नहीं मारना। तो आपने शायद 12th में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कैसे विमाएँ निकाली जाती है। तो प्लांक नियतांक की विमा पूछी गई थी, तो ML²T^-1 ये प्लांक नियतांक की विमा है। एक सेकंड बंद करने दो। तो प्लांक नियतांक की विमा है ये। और नेक्स्ट आपका खजुराहो स्थित है, पूछा गया था शिफ्ट 1 में, किसी ने ये भी बताया शिफ्ट 3 में पूछा गया, जिसने भी बताया गलत बताया। खजुराहो स्थित है, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था, शिफ्ट 3 में नहीं पूछा गया था। तो खजुराहो आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पूछा गया आपका ओडिशा कहाँ की भाषा है, तो देखिए सॉरी ओडिया कहाँ की भाषा है, तो ओडिशा की है, या फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए ओडिसी या फिर ओडिया, शायद था क्वेश्चन में कि ओडिया कहाँ की भाषा है, तो ये आपकी ओडिशा की भाषा है ओडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 19 नंबर पूछा गया, फाग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरियाणा में मनाया जाता है फाग त्यौहार। ठीक है, होली के जस्ट दूसरे दिन या फिर होली के दिन ही आपका फाग त्यौहार मनाया जाता है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीन की मुद्रा पूछी गई है, चीन की करेंसी, और ये मत सोचना कि नहीं पूछा गया। देखिए, आखिर होता क्या है कि जैसे आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन बताए, तो आपको केवल इजी वाले दिमाग में रहते वही आप बता देते हो, टफ क्वेश्चन आपको या तो आए नहीं होंगे या फिर आप भूल जाते हो, इसलिए केवल इजी पता लगता है, बट पेपर इजी नहीं आता। आपको पता है साइंस तो इतनी ज़्यादा टफ आ रही है कि सारे कमर साइंस ही तोड़ रही है। तो देखो, चीन की जो मुद्रा है वो होती है आपकी क्या है, युआन है चीन की मुद्रा। इसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होगा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। इसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन आया था, 22 नंबर है, D/dx साइन 10 inverse 2x, ये आपका क्वेश्चन आया था, D/dx साइन 10 inverse 2x का आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसको सॉल्व करना बैठ के, बिना मकारी मत करना, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसकी PDF भी दे रहा हूँ, कम से कम ओपन करके आप एक बार सॉल्व तो कर ही सकते हो। तो D/dx साइन 10 inverse है ये, 10 inverse ऐसे लिखा जाता है ना, 10 inverse, तो फ़ोन से वैसे लिखता नहीं बनता, तो इसका जो मतलब वहाँ पे देखो ऐसा बना है, इसका मतलब यही है के ऊपर। ठीक है, तो D/dx साइन 10 inverse 2x। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि 30 से 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग, इजी क्वेश्चन है, 30 से 50 के बीच की जो आपकी सभी विषम संख्याएं हैं उनका योग पूछा गया, तो आप सारी 30 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखिए और उसका योग निकाल लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया, जिसने काफ़ी गहन अध्ययन करा होगा, अच्छे से पढ़ाई करी होगी, उसको इसका जवाब पता होगा, उसने इसका जवाब दिया होगा। तो जो आपके अमर्त्य सेन है उनको किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया, तो अमर्त्य सेन आपके अर्थशास्त्री हैं, तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन थे जो पता लगे अभी तक, और जब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट तीनों के आएंगे तो कम से कम आपके 150 क्वेश्चन तो मैं दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन थोड़ा लेट आते रहते हैं, लोग भेजते रहते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। और देख लो, ये क्वेश्चन ज़रूर देख लेना ढंग से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, Integral 0 से 2 x²dx, नीचे एक क्वेश्चन दिया है, Integral cos inverse 1 minus 10 square x है और 1 plus 10 square x है dx। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसमें से उसने बोला था कौन सा, 22 नंबर, हाँ इसमें से उसने बोला था 22 नंबर, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया, तो इसको भी आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। इसके बाद इसमें पता नहीं उसने क्या लिखा है, देखो PA दिया है, PB दिया है, P
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ये क्या लिखा है, पी ए बाई बी का, अच्छा पी ए डिवाइड बाई बी ऐसा कुछ शायद लिखा है, तो इसको ये पूछा गया है। और ये भी देखो कुछ पूछा गया, वाई बराबर 1/log cos x, पता नहीं क्या है आगे, डी एक्स वगैरह कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन, इसमें देखो ये पूछा गया, सही से लिखा नहीं इसने, वरना अच्छे क्वेश्चन थे इसके। अब देखो इसने लिखा, इसने फोटो भेजी कि इसका सेरोनेम इसका एंटोनेम, लेकिन नहीं दिख रहा है कि किसका सेरोनेम किसका एंटोनेम, ऐसे भेजे इसने। और ए यूनियन बी डैश क्वेश्चन मार्क एफ, अगर एफ एक्स बराबर ई की पावर पता नहीं क्या है। अच्छा कोई क्वेश्चन होगा ए क्यू क्वेश्चन होगा, ए यूनियन बी डैश की वैल्यू उसमें पूछी गई होगी, ए और बी की वैल्यू दिया होगा, तो ए यूनियन बी डैश की वैल्यू पूछी गई है। और एक क्वेश्चन होगा एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, तो एकक पता नहीं आगे क्या लिखा है। और इसमें 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उसने बोला 20 नंबर, और पीछे मैंने आपको बताया 22 नंबर, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आया 20 और 22 नंबर, वो देख लेना। बस यही थे कुछ रिव्यू जो मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना, इसके PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और आप अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।